बिना अंडे और बिना अल्कोहल के आज हम बनाएंगे ये सॉफ्ट सा प्लम केक। तो इस प्लम केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जैसे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, अखरोट, और इसके साथ ही मैंने ये किशमिश लिया है, हरी वाली किशमिश है, साथ में कुछ ब्लूबेरीज हैं और ड्राइड चेरी हैं, और इसके बाद थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम आधा कप ऑरेंज जूस में डिप करेंगे और इसे हमें करीब 3 से 4 घंटे तक डिप करना है। डिप करने के बाद जब हम 3 से 4 घंटे बाद इसको खोल के देखेंगे तो ये काफ़ी फूल चुके हैं और अब हम अपना केक बनाना शुरू करेंगे। मेजरमेंट वाले कप से मैंने 1 कप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है और अब मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर मैंने 1 कप लिया है, मगर मैंने आधा कप वाले मेजरिंग कप से इसको 2 बार लिया है। यहाँ पर अब हम थोड़े से ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि हमने मैदा लिया है और लिया है शुगर जो कि हमने पीस के लिया है, साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सबसे पहले हमें इसको छानना है। क्रिसमस का मौका है तो ये प्लम केक सभी को बहुत ही टेस्टी लगता है, घर में बहुत आसानी से ये बना सकते हैं, इसीलिए ये रेसिपी मैंने सोचा आज आप सबके साथ में शेयर कर दूं। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान लिए हैं अच्छी तरह से और इसके बाद इसको अब हम स्पैचुला से मिक्स कर देंगे। और इसमें अभी मैं दूध ऐड कर रही हूँ, ये रूम टेम्परेचर पर लिया हुआ दूध है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने कर लिया है मिक्स। उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे इन सब को हम इसमें मिक्स कर देंगे और इन्हें हमें ऑरेंज जूस के साथ ही मिक्स करना है। थोड़ा बहुत जो भी इसमें ऑरेंज जूस बचा है वो भी हम इसके साथ में ले लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने मैदा 2 कप ली है और जो मैंने शुगर ली है वो है करीब 1 कप, और इसके बाद मैंने 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर और 0.5 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। इंग्रेडिएंट्स की जो भी लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच वनीला एसेंस और करीब 0.5 चम्मच मैंने इसमें वाइट विनेगर यूज़ किया है। जब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे तो हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। तो ये कंसिस्टेंसी हमने एडजस्ट कर लिया और आप देख सकते हैं ये रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब हम एक टेन को लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, रिफाइंड ऑयल लगा के हमें इसे ग्रीस करना है और इसके बाद मैं इसमें इसकी सरफेस पर एक बटर पेपर इसके साइज़ का मैंने कट किया है वो लगा दूंगी। बटर पेपर को भी अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे और सारा बैटर इसमें हम पोर कर देंगे। 2 से 4 बार हम इसको टैप करेंगे और ये सेट हो गया है। अब हम इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें ऐड किए हैं उसी में से थोड़े थोड़े से लेके मैं इसे ऊपर से लगा रही हूँ, जिसमें क्रैनबेरीज हैं, चेरीज हैं, टूटी फ्रूटी हैं और थोड़े से काजू हैं। तो आइए चलते हैं, ओवन को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और केक हमने बेक होने के लिए रख दिया है 45 मिनट के लिए। मैंने ओवन को सेट कर दिया है और ये देखिए केक हमारा बेक हो रहा है। तो बस 45 मिनट्स में ये बेक हो जाता है और अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो इसे हम कोई टॉवल रख कर ठंडा करेंगे। जब तक ये पूरी तरह ठंडा नहीं हो जाता हम टॉवल को नहीं हटाएंगे। तो अब ये केक ठंडा हो चुका है, हम इसे करेंगे डीमोल्ड। इसने खुद ही साइड्स छोड़ दिया, फिर भी नाइफ से थोड़ा सा हम इसको अलग कर लेंगे और इसके बाद हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए हमारा केक बनके रेडी है। बटर पेपर को कर देंगे रिमूव और बहुत ही अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। बहुत आसानी से बनने वाला ये प्लम केक है, क्रिसमस का मौका है तो इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी और चेक भी कराऊंगी कि ये केक कितना स्पॉन्जी, कितना फ्लफ़ी बना है
और ये थोड़ा सा रसीला भी होता है क्योंकि हमने इसमें मिलाया है ऑरेंज जूस। ये देखिए केक तैयार हो गया है और बहुत ही स्पॉन्जी ये केक बना है, आप इसे चेक कर सकते हैं, और काफ़ी जूसी भी है ये। तो इस केक को इस क्रिसमस पर ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज़ है। आई होप केक की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।